मैं भी सोचता था यार, मैं तो अभी स्टार्ट किया हूँ, मेरे साथ भी ऐसा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, बट आज ऐसा टाइम आया कि मैं उन जो लोग मतलब टिकटॉकर्स थे ये कुर्सी पे बैठ के गए, वही कुर्सी पे मैं आज बैठा हूँ। रिज हैशटैग मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक्स, थैंक यू सो मच। रिज, आपके टिकटॉक वीडियो कई वायरल हो रहे, ट्रेंडिंग पे चल रहे इस वक्त, तो आपको इंडियन जोकर के भी नाम से जाना जा रहा है। हाँ बराबर। आपकी टिकटॉक जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, यानी क्या जर्नी क्या रही आपकी? हाँ, टिकटॉक जर्नी तो मैं पहले स्टार्ट में सिर्फ टिकटॉक देखता था, मतलब टिकटॉक क्या, मैं म्यूजिकली के टाइम से देख रहा हूँ टिकटॉक मीन्स, तो मैंने बहुत टाइम तक टिकटॉक देखा, बट उसके बाद मैंने फिर बनाना भी शुरू किया, मस्ती के लिए बनाता था स्टार्टिंग में, बाद में फिर कुछ ऐसा होने लगा ना लाइफ में कि मतलब इस पर मैं कुछ कर सकता हूँ, किसी ने मुझे मोटिवेट किया कि आप करो ये चीज़, तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ से, और फिर उसके बाद मैंने टिकटॉक वीडियो स्टार्ट किया और फिर मेरी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई, तो जब ऑटोमेटिकली फैंस आने लगे उस पर, तो मैंने बोला कि है कुछ तो है, मतलब बात और कर सकते इसके आगे भी, तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना मतलब टिकटॉक का। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं? लोग तो पसंद करते बस इसीलिए क्योंकि एज अ मतलब जोकर पूरे इंडिया में आई थिंक सो कि जो ट्रेंड आया तो मैंने उसको थोड़ा सा इवॉल्व किया, बहुत लोग का जोकर का वीडियोस है टिकटॉक पे, तो वो लोग भी काफ़ी अच्छा कर रहे, बट लोगों ने मेरा जो जोकर का एक्ट था थोड़ा यूनिक वे से लिया और उस पर ज़्यादा रीच हुआ, तो बस यही चीज़ पसंद करते मेरे अंदर लोग। कैसे आइडिया आई आपको जोकर बनने की? मतलब चेहरा यही है लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे चेहरे होते, ठीक है, तो मैंने वही बस मेकअप के थ्रू मतलब दिखाई सिर्फ मेरा देता है, चेहरे तो हर कोई पहन के घूमता है क्योंकि मैं मेकअप करता हूँ ना इसके लिए जोकर का। एक बार आप वो लुक करके दिखाएंगे कैमरे पे जो आपका वायरल है सारा? बस यही है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या फेस कर रहा है, हाँ क्या फेस करके बना रहा है, राइट, तो क्या कहना है उन लोगों के लिए? क्या फेस कर रहा हूँ अभी, कैसा कि मैं पहले मेकअप करता था, ठीक है, तो मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, अब कैसा होता है कि मतलब मेकअप तो खुद ही के हाथ से करना होता था, कोई घर पे था भी नहीं कि जो मुझे मेकअप करे, तो खुद ही के हाथ से पूरा मैं मेकअप करता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता था, और फिर बाद में बालों में भी कलर लगाना होता था, मतलब वाटर कलर मैं यूज़ करता था, तो उसके बाद मैंने बोला यार मेकअप के इसमें तो बहुत हो गया, और बहुत ज़्यादा टाइम तक का मतलब मैंने कुछ नहीं तो 3-4 महीने तक का मेकअप के थ्रू ही मैंने एज अ जोकर रिप्रेजेंट किया उस पर, बट उसके बाद मैंने बोला नहीं यार बहुत हो गया, आप कुछ यूनिक करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने फिर सोचा कि एक अलग फेस ट्राई करता हूँ, तो बस वही। वायरल होने के पहले वाली लाइफ और वायरल होने के बाद की लाइफ में क्या फ़र्क आया आपकी? थोड़ी वीडियोस वायरल होती थी तो खुश हो जाता था, अब वीडियो वायरल होते जा रही है, लोग मिल रहे, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब फैंस भी है, फैंस एक्चुअली देखो मुझे कभी भी लाइफ पे बोलता है ना बिग फैन ऑफ यू, तो मैं कभी भी एज अ फैन नहीं, क्योंकि देखो फैन को हर कोई भूल जाता है, राइट, मतलब फैन मिला उसने फोटो लिया भूल गया, ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि फैमिली बने, समझ लो, तो फैमिली के साथ कोई भी अपनी फैमिली को कभी नहीं भूलता है, इंसान कोई भी मुकाम पे पहुँच जाए ना तो अपनी फैमिली को नहीं भूलता है, तो वही चीज़ है बस और कुछ नहीं, मैं फैंस को मतलब एज अ फैन नहीं ट्रीट करना चाहूँगा कि हाँ फैन है ब्रो आ सेल्फी ले और चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है, आया सेल्फी ले भाई वीडियो भी बना ले, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद सामने से भी बोल देता हूँ ब्रो वीडियो बनाना है, ऐसा मुझे लगता नहीं है यार मैं इस लेवल पे हूँ, मैं बोलूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वीडियो वायरल जो हो रही है जोकर के फेस में, उस पर कई लोग ड्यूट करके वीडियो एक मजाक तरीके आपका फेस का मजाक बना के वीडियो बना रहे, तो क्या कहना है उन लोगों के लिए जो मतलब मेरा मजाक बना रहे हैं और मुझ पर हंस रहे, बस उनके लिए थोड़ी सी लाइन है, हेट नहीं है मेरे दिल में किसी के लिए, बट उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, रोते हुए को हंसाता हूँ, जो मुझसे लड़े उसे डराता हूँ, कोई हंसी उड़ाए तो मजाक भी बन जाता हूँ, इसलिए तो मैं जोकर कहलाता हूँ। फैमिली और फ्रेंड की तरफ से आपके क्या सपोर्ट रहा? फैमिली और फ्रेंड एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था मतलब स्टार्ट जब किया था मैंने तो फैमिली की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं था, बट सपोर्ट वो दिल से करते थे, ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा क्या उनका बेटा या बेटी मतलब अपसेट रहे अंदर ही अंदर, ऐसा कोई नहीं चाहेगा, बट बोलते ना इंडियन कल्चर में बहुत ऐसा होता है कि इंडियन माइंड्स मतलब लोग क्या कहेंगे, ठीक है, तो वो सोचकर
मतलब मम्मी डैडी बोलते थे क्या कर रहा है ऐसा वैसा, बट उनको भी एक होप थी कि नहीं लड़का कुछ कर सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। तो उन्होंने मुझे करने दिया कि देखते कहाँ तक का जाता है। तो आज जब मम्मी डैडी देखते हैं तो उनको भी प्राउड फील होता है, कोई आकर अगर बोल देता है देखो तुम्हारा बेटा मतलब इधर इधर दिख रहा है उधर दिख रहा है, मेरी मौसी की लड़की बोल रही थी, मेरा भाई का लड़का बोल रहा था कि ऐसा वैसा, बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा लड़का, तो उनको भी प्राउड फील होता है। और कभी कभी तो मैंने लिटरली मेरी मम्मी की आंखों में आंसू भी देखा मुझे देखते हुए। तो मैं पूछता हूँ मम्मी क्या हुआ, तो कुछ नहीं बोल के चुप हो जाते। इंस्पिरेशन कौन है आपका? इंस्पिरेशन तो वही मेरे हालात है और कुछ नहीं, हर कोई नहीं जानता ना मेरे बारे में। रिज दानिश ज़हन के बारे में आपका क्या कहना है? दानिश ज़हन काफ़ी अच्छा बंदा था, और था क्या मतलब आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। और मुझे जहाँ पे दानिश ज़हन के बारे में मालूम पड़ा था, मेरा दोस्त था जो मुझसे एक क्लास आगे पढ़ता था, तो उसका क्लासमेट था दानिश ज़हन। तो उस जब इन लोग 11th या 12th में थे तब इन लोग ने मुझे बताया कि देख मेरे साथ वाला जो बंदा तुझे बता रहा था वो आज बहुत अच्छा चल रहा है सोशल मीडिया पे। तब मैंने दानिश ज़हन को जाना था एक्चुअली, जब केदारनाथ में हम साथ पढ़ते थे तब मैं नहीं जानता था उनको, एक तो, ही स्कूल में थे यानी हाँ एक ही स्कूल में थे हम लोग। तो उसके बाद मुझे मालूम पड़ा वो बंदे का, फिर मतलब इतना अच्छा ग्रोथ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो मेरी मम्मी को बताता था मम्मी ये जो बंदा है ये कुर्ला वेस्ट का ही अपने पता है, तो मम्मी बोलते थे अच्छा ये कर रहा है वो कर रहा है। तो बस वही, और मैं ये चाहूँगा कि जो भी सारे लोग हैं जो फैमब्रो आर्मी है तो वो दुआ करे यार, बस दुआ करे, बहुत अच्छा बंदा था। रिज आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरी फ्यूचर प्लानिंग तो कुछ ज़्यादा बड़ी बोले लेकिन लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा ही सोचता है, लेकिन मुझे जहाँ तक अच्छा लगता है कि मुझे मतलब एक एक्टिंग लाइन में अपना करियर बनाना है, तो मुझे पहुँचना है बस मुझे हॉलीवुड एक्टर बनना है, देखते कहाँ तक जर्नी जाती है। रिज फैंस के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? फैंस के लिए यही मैसेज रहेगा, जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मैं एज कंपेयर नहीं करता फैंस, जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बोला फैंस नहीं कंपेयर करता, जो मेरे बाजू में खड़ा है वो मेरे बराबर है ठीक है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप समझ जाओ अभी लोग सोच रहे रहेंगे यार ये बंदा मिलियंस में है, तो ऐसा मत सोचो कि मिलियंस में है तो एटीट्यूड लेवल कुछ अलग होगा। जब मेरे 10,000 फैंस थे तो भी मेरा एटीट्यूड लेवल वही था, और 10 मिलियन भी अगर इंशाल्लाह हुए कभी तो वही एटीट्यूड लेवल रहेगा मेरा। लेकिन फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी लाइफ में किसी को ये मत देखो अरे ये बंदा 4 लाख पे है और मैं 10,000 पे हूँ, इसको जल्दी से जल्दी मैं पीछे छोड़ूंगा, ऐसा कभी मत सोचना। ये सोचना कि मुझे ये गोल है मेरा मुझे वहाँ पहुँचना, ऑटोमेटिकली सबके सब पीछे होते जाएंगे। और आपको उनको देख के ये नहीं होना है कि हाँ खुश होना है कि हाँ यार पीछे चला गया, ऑटोमेटिकली वैसे भी वो पीछे ही चले जाएंगे। एक गोल सेट करो बस उसी की तरफ भागते रहो, कामयाबी मिलते जाएगी। एक आखिरी सवाल, #मुंबई न्यूज़ के बारे में आपका क्या कहना है? #मुंबई न्यूज़ मैं स्टार्टिंग से ही देखता था, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू मतलब बहुत सारे टिकटॉकर्स लोग का देखा था, तो मैं भी सोचता था यार मैं तो अभी स्टार्ट क्यों हूँ, मेरे साथ भी ऐसा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। बट आज ऐसा टाइम आया कि मैं उन जो लोग मतलब टिकटॉकर्स थे ये कुर्सी पे बैठ के गए वही कुर्सी पे मैं आज बैठा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा एंड बहुत अच्छा है। और होप करता हूँ मतलब चाहता हूँ, होप नहीं करता हूँ, चाहता हूँ कि #मुंबई न्यूज़ 1 मिलियन पूरा करे जल्दी से जल्दी। कुछ लोगों का कहना है कि आप इल्लू मनाती के फॉलोअर हो। अच्छा